अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे। आज हम बेसन के पकौड़े बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने 2 कप बेसन लिया है, एक टेबल स्पून हमने साबुत धनिया लिया, डढ़ पीस के 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच दड़ मिर्च ली है, आधी चम्मच अजवाइन ली है, 1 चम्मच सूख मिर्च ली है, चुटकी से हमने बेकिंग सोडा लिया है, ये थोड़ी सी हमने पालक ली है, हरा धनिया लिया है, आलू लिए हैं, प्याज है, 2 हरी मिर्चें हैं। आए हम बनाते हैं उनको कैसे बनाना। ये हमने सारे मसाले इसमें डाल लेते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हम मसाले डाल दें, पालक डाल दी हमने, धनिया, हरी मिर्च, आलू और ये प्याज। अब हम इसे फिर मिक्स करेंगे। ये हमारा बेसन हमने घोल लिया है। अब इसको हम 10 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कैसे बनाएंगे। ये हमारा बेसन हम रेडी हो गया, हम इसको नालते हैं पकौड़े। तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, अब हम अपने पकौड़े फ्राई करते हैं। हमारे पकौड़े बन गए, हम निकाल लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये पकौड़े अब तैयार हैं, क्रिस्पी पकौड़े अब तैयार हैं हमारे, क्रिस्पी पकौड़े। प्लीज़ आप इनको ट्राई करें और हमें बताएं हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।